नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए फेमस पंजाबी राइटर गुरदयाल सिंह की स्टोरी ए सीजन ऑफ नो रिटर्न की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। ये स्टोरी है कोरी नाम की एक औरत की। कोरी जो पंजाब की रहने वाली है और इसके दो बेटे हैं, ज्ञाना और संतोख। संतोख पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया है और वो कनाडा चला जाता है। वहाँ जाकर वो कनाडा की एक लेडी से शादी कर लेता है। जब वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो वापस पंजाब आता है और अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है। इसके फादर कहते हैं कि भैया जो तूने करना कर। इसका भाई ज्ञाना कहता है कि तू माता जी को अपने साथ ले जा, मैं यहाँ एडजस्टमेंट कर लूँगा। तो माँ जी उनके साथ वहाँ जाती है। इस तरह से कोरी जो है वो कनाडा पहुंच जाती है। कनाडा पहुंचकर वो सोचती है कि पता नहीं बहू बेटा मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, पर इसकी बहू बहुत अच्छी होती है, इसका पूरा ध्यान रखती है, सारा दिन माजी माजी करती है, इसे कोई काम की दिक्कत नहीं होती है, घर में नौकरानी लगी होती है, सब कुछ बढ़िया चलता है। यहाँ तक कि लेबर पेन वाले दिन भी वो अपने से ज़्यादा अपनी इस माजी का ध्यान रखती है, उसे कहती इसे घर भेज दो मैं आराम से, यहाँ माजी परेशान होंगी। इसके बाद में इनके एक बेटा पैदा होता है, काका। बेटा इंजीनियर है, बहू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है। घर में बढ़िया सब कुछ है, घर में माई है, ये माई से कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करती है। इसको एक ही प्रॉब्लम है, वहाँ जाकर ये अकेलापन फील करती है। ये गुरुद्वारे जाती है, वहाँ उससे एक जलंधर की लेडी इसकी फ्रेंड बनती है जो उससे अपनी बहू की बुराई करती है। तो फिर ये कहती है मेरी बहू अच्छी है, मैं उसकी बुराई कैसे कर सकती हूँ। अब हम बात करते हैं इसकी जो मेन थीम है सीजन ऑफ नो रिटर्न में। सीजन ये अपने बेटे से पूछती है कि बेटा पंजाब, ये यहाँ पंजाब में तो मई जून में गर्मी पड़ती है, यहाँ पर सारा साल सर्दी पड़ती है। तो वो बताता है कि मम्मा समुद्र यहाँ नज़दीक है इसलिए यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है। आप अब ये सोचती है कि भाई ठंड कैसे पड़ती है, लेकिन इसके बाद में वो क्योंकि एक बार सो खांसी आती है और एक बार ये बेहोश हो जाती है। जब ये बेहोश हो जाती है तो उसको डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर का तो सब कुछ ठीक है, बस मेंटल प्रॉब्लम है। ये बार बार अपने बेटे कहती है बेटा आप मुझे घर भेज दो, काका भी हो गया, बड़ा भी थोड़ा हो गया। बेटा कहता है मम्मी मैं ज्ञाना को लेटर लिखता हूँ। ज्ञाना कहता है कि बापू ठीक है सब कुछ ठीक है, तो मैं आपको कैसे भेज दूँ, आपको यहाँ कोई दिक्कत है तो आप बताओ। लेकिन बेहोश होने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं और एक दिन आके संतोष कह देता है कि मम्मी अब मैं आपको घर भेज देता हूँ, मेरे वहाँ कोई जा रहा है। और वो मम्मी अपना घर चली जाती है। घर घर जाने के बाद जब वापस संतोष अपने घर आता है तो उस दिन उसको बहुत ठंड फील होती है। वो काफ़ी रजाई रजुई डालता है, एक दो रजाइयाँ डाल लेता है, स्वेटर कोटी डाल लेता है। फिर उसको फील होता है कि यार यहाँ पे जो घर में गर्मी थी वो मम्मी के प्यार की गर्मी थी, अब मम्मी चली गई इसलिए यहाँ पर गर्मी ख़त्म होगी। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। फ्रेंड्स, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।